नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर, सम्राट सर म्यूजिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो को लेकर के हाजिर हूँ और इस नए वीडियो में आप लोगों को 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर सेट्स के बारे में बताऊंगा। 11th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी 11th के मैथमेटिक्स में कुल 16 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है सेट्स। तो अब यहाँ पर हम आपको सेट का परिभाषा देते हैं कि सेट है क्या। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं विस्तार से सेट के बारे में। तो जैसे हम घर में देखते हैं कि कपड़ों का सेट होता है, बर्तनों का सेट होता है, और हम अपने स्कूल कॉलेज में देखते हैं कि बेंचों का सेट होता है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास किताबों का सेट है, तो हम उसको क्या मानते हैं, एक सेट कहते हैं। लेकिन जैसे हम गणित की बात करते हैं तो सबसे पहले सेट के लिए, अगर लाल रंग का कपड़ा मेरे पास 5 है, कपड़ों की संख्या 5 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही कंपनी की है और एक ही रंग की है, तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। यहाँ पर सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, तो सुपरिभाषित वस्तुओं का अर्थ हो गया कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह भिन्न भिन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और 11th का बुक ले रहे हैं तो 5 एनसीईआरटी 11th मैथमेटिक्स का बुक ले लेंगे तो उसको हम सेट कभी भी नहीं कहेंगे। तो कलेक्शन में क्या होना चाहिए कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए। जैसे 11th के बुक का हम कलेक्शन करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, तो इन सब बुक आप ले लेते हैं तो इसे आप एक सेट कहेंगे। और एक ही प्रकार की बुक हो उसे आप सेट नहीं कह सकते हैं। चाहे आप बर्तन का ही क्यों ले, आपको एक ही साइज की ग्लास है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। वही सभी बर्तन, भिन्न भिन्न बर्तनों का क्या है, संग्रह है मेरे पास, तो उसे हम सेट कहेंगे। तो अब चलते हैं कि जैसे ही हम संग्रह की बात करते हैं तो संग्रह, संग्रह में आपको क्या आता है कि सेट का एलिमेंट या सदस्य आता है। तो एलिमेंट या सदस्य हम किसे कहते हैं, संग्रह के वस्तुओं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवयव, तत्व या सदस्य, एलिमेंट या मेंबर, तो संग्रह के वस्तुओं को एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। अब लेते हैं हम एक उदाहरण, जैसे ए बराबर क्या हो गया, 1 2 3, तो ए आपका क्या हो गया, सेट हो गया। और 1 2 3 इसे ही हम क्या कहेंगे, एलिमेंट या सदस्य कहेंगे। तो अब हम चलते हैं कि सेट को हम अंग्रेजी सूचित कैसे करते हैं। तो सेट को हम अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम सूचित करते हैं। कैपिटल लेटर्स अर्थात ए बी सी डॉट डॉट हम जेड तक जाएंगे। उसके बाद इसके एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से हम सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट जेड हो गया। अब चलते हैं कि समुच के अवयवों को, तो समुच के अवयवों को हम मंझोली कोष्टक के अंदर एक एक कर कोमा देकर के लिखते हैं। और यहीं पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि ए बराबर 1 2 3, तो हम समुच के अवयवों को जब कभी भी हम लिखेंगे तो मंझोली कोष्ट के अंदर ही लिखेंगे, न तो उसको हम बड़ी कोष्ट के अंदर और ना ही हम उसको छोटी कोष्ट के अंदर लिखेंगे। अब हम चलते हैं समुच्चयों के कुछ मानक संकेत के ओर।
स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। तो हम समूह को सूचित करने के लिए कुछ संकेत लेते हैं, जैसे एन से, एन से हम लोग नेचुरल नंबर, एन से प्राकृत संख्या के समुच्चयों को हम सूचित करते हैं। उसके पश्चात जेड या आई, या आपको क्या हो गया कि इंटीजर्स नंबर्स, तो जेड या आई से पूर्णांकों के समुच्चय को हम सूचित करते हैं। उसके बाद आते हैं डब्लू, डब्लू से होता है होल नंबर। तो यहाँ पर हम सेट के लिए पूर्ण संख्याओं के समूच को सूचित करने के लिए डब्लू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्यू पर, तो परिमेय संख्या के समुच्चयों को सूचित करने के लिए हम क्यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं आर पर, आर रियल नंबर्स, तो वास्तविक संख्या को सूचित करने के लिए आर का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्यू प्लस, तो आप जानते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या दोनों का संग्रह होता है, तो Q प्लस कहने का अर्थ हो गया कि इसमें सिर्फ हम धनात्मक पूर्णांक संख्या ही लेंगे। उसके बाद Q माइनस, तो Q माइनस हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। उसके बाद R प्लस, धनात्मक वास्तविक संख्या, R माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो अब हम चलते हैं आगे, मीनिंग ऑफ सिंबल एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है? तो कोई भी एलिमेंट को हम या किसी समूह का वह सदस्य है कि नहीं, इसे दर्शाने के लिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर ए ए का सदस्य हो तो वहां पर हम दर्शाने के लिए ए बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, और इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू द सेट ए, और हिंदी में इसे हम पढ़ते हैं ए समूच ए का सदस्य है। अगर कोई भी सदस्य समूच का सदस्य नहीं हो तो उसे हमें दर्शाने के लिए डज नॉट एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर डज नॉट एप्सिलॉन है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, इसका अर्थ हो गया कि ए ए का सदस्य नहीं है। तो इंग्लिश में देख रहे हैं कि हम इस तरह से पढ़ते हैं, और हिंदी में ए समूचे का सदस्य नहीं है। अब हम चलते हैं समूच को व्यक्त करने की विधियां। तो हम समूच को हम कितने तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि समूच को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला प्रकार आपका हो गया कि सारणी या तालिका रूप, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा तरीका हो गया प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समूच निर्माण रूप, सिंबोलिक फॉर्म, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट प्रकार, सारणी या तालिका रूप में। सारणी या तालिका रूप में हम करते क्या है कि समूच के अवयवों को मंझोली कोष्टक के अंदर, मंझोली कोष्टक के अंदर एक एक कर कोमा दे करके लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए बराबर हो गया आपको ए बी सी डी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंझोली कोष्टक के अंदर और प्रत्येक अवयव को कोमा दे करके हम लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पर चलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या है के समूच के जो मंझोली कोष्टक के अंदर एक चर राशि x लेते हैं, उसके बाद कोलन या तिरछी लकीर
देते हैं। उसके बाद पुनः एक चर राशि एक्स लिखते हैं, उसके बाद एक कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं कि चर के उस गुण को लिखते हैं जो समूह के प्रत्येक अवयवों के द्वारा संतुष्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि ए बराबर 5 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय हो तो चपिल्डर फॉर्म में निम्न प्रकार लिखा जाता है। जैसे तो ए बराबर क्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है तो अभी आप लोगों को बताए हैं कि एक मंजोली कोष्टक के अंदर एक चर राशि एक्स लेते हैं, उसके बाद कोलन या तिरछी लकीर लिख करके पुनः एक्स लिखते हैं। तो देखिए कि ए बराबर मंजोली कोष्टक लिए, उसके बाद एक चर राशि एक्स लिए, यहाँ पर हम कोलन कोलन लिए हैं, फिर पुनः एक्स लिखे, कोमा लिखे, और 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, या एक्स तिरछी लकीर दिए, फिर एक्स कोमा 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हम इसी प्रकार से चर राशि लिखते हैं, और उसके पश्चात चर के हम उस गुण को लिखते हैं जो प्रत्येक अवयवों के द्वारा संतुष्ट होता है। अब हम चलते हैं फिनाइट और इनफिनाइट के रूप में, परिमित फिनाइट एंड अपरिमित इनफिनाइट। अपरिमित परिमित समुच हम किसे कहते हैं, जिस समुच में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ए बराबर हो गया आपको 1, 2, 3, 4, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, और इनके अवयवों को हम गिन भी सकते हैं। उसके पश्चात हम चलते हैं कि इनफिनाइट की ओर, अपरिमित सेट की ओर। तो इनफिनाइट, जिस सेट में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, जिस समुच के अवयवों को हम नहीं गिन सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ए बराबर आपको हो गया पूर्णांकों का समुच, पूर्णांकों का समुच, या ए बराबर 1, 2, 3 ... तो किसी सेट के अंदर में डॉट डॉट लगा हुआ हो, पूर्णांकों का समुच हो, कि पूर्ण संख्या का समुच हो, कि वास्तविक संख्या का समुच हो, तो जहां पर इस तरह का कंडीशन आएगा तो वह सब आपका होगा अपरिमित समुच, अर्थात जिस समुच के अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं। अब हम चलते हैं कि परिमित समुच के अवयवों की संख्या की और, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट। तो परिमित समुच, तो आप जानते हैं कि परिमित समुच में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो वही ए की अवयवों की जो संख्या होती है, अर्थात समुच ए में अवयवों की संख्या को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे ए में हो गया 1, 2, 3, तो एन ए बराबर 3 हो गया आपको, तो आपको कार्डिनल नंबर्स 3 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि समतुल्य समुच, इक्विवेलेंट सेट्स। तो अगर आपको दो सेट दिया रहे ए और बी, अगर दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समतुल्य समुच कहेंगे। अवयवों की संख्या ही बराबर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हु बहु वही अवयव बी में भी हो, जो ए में अवयव है हु बहु अवयव बी में हो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि ए में क्या है कि 1, 2, 3 है, और बी में देखते हैं कि ए बी सी है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ए में भी 3 अवयव और बी में भी 3 अवयव है, तो इसलिए यह दोनों सेट क्या हो गया, समतुल्य समुच्चय हो गया। अगर ए और बी समतुल्य समुच्चय हो तो उसे हम लिखते हैं कि एन ए बराबर एन बी। उसके नीचे चले जाते हैं सिंबल में, तो हम मैथमेटिक्स में इस सिंबल और इस सिंबल को हम बराबर प्रयोग करते हैं, तो इस सिंबल को हम इम्प्लाइज पढ़ते हैं, और इस सिंबल को इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल
यदि पढ़ते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि बराबर समुच्च की ओर, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कहते हैं किसे हैं, तो दो समुच्च ए और बी बराबर समुच्च कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक हूबहू अवयव बी में हो। ए में जो अवयव है वही अवयव क्या होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में भी हो, क्रम कुछ भी रहे, इससे हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिए कि ए बराबर 1 2 3 और बी में लिए 2 1 3। तो ए में हम देख रहे हैं कि ए में है 1 2 3, तो बी में भी देखिए 1 2 3 है, 3 है, और यही होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि इसमें हम 4 ले लेते हैं तो इसे हम बराबर सेट नहीं कहेंगे। लेकिन क्रम देखिए क्या क्या क्रम सही है, क्रम सही नहीं है। तो क्रम कुछ भी रहे लेकिन हूबहू अवयव जो ए में है वही हूबहू अवयव बी में होना चाहिए। तो अब समुच्चय के हम विभिन्न प्रकार के ओर चलते हैं। तो हम समुच्चय के विभिन्न प्रकार में हम देखते हैं कि सबसे पहले रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं, तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी या वॉइड सेट। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे हो गया आपको कि अमरणशील आदमियों का समुच्चय। तो कोई ऐसा आदमी को ढूंढिए जो क्या हो, अमरणशील हो अर्थात अमर हो। कोई ऐसा मिलेगा सेट में रखने के लिए जो आदमी कभी मरने वाला ना हो, तो यही अमरणशील आदमियों का समुच्चय आपको हो गया कि एम्प्टी सेट। उसके बाद हम चलते हैं कि दो से विभाज्य होने वाली विषम संख्या का समुच्चय। तो दो से विभाज्य होने वाली विषम संख्या का समुच्चय, तो कोई ऐसा विषम संख्या लीजिए और जो दो से विभाज्य हो, तो कोई भी ऐसा आपको संख्या नहीं मिलेगा। यह भी सेट आपका क्या हो गया, एम्प्टी। अब देखिए कि एम्प्टी सेट को हम सूचित किस तरह से करते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम मझोली कोष्टक को ऐसे खाली रख दीजिए, मझोली कोष्टक या फाई के द्वारा हम सूचित करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एकल समुच्चय की ओर, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय किसे कहते हैं, तो जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, यहाँ पर देखिए समुच्चय में क्या है, एक अवयव है, यहाँ पर भी एक अवयव है, उदाहरण 3 में भी एक अवयव है, उदाहरण 4 में भी एक अवयव है। तो इस तरह के समुच्चयों को हम एकल समुच्चय कहते हैं। फिर उसके आगे हम चलते हैं कि युग्म समुच्चय। अब पेयर सेट, युग्म समुच्चय किसे कहते हैं, तो जिस समुच्चय में दो अवयव हो उसे हम पेयर सेट कहते हैं। अब पेयर, पेयर का समान अर्थ ही हो गया कि जोड़ा, तो जोड़ा रहना चाहिए, जोड़ा अर्थात दो। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1 2, तो देखिए 1 और 2, 1 और 2 दो अवयव है कि नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, पेयर सेट हो गया। उसके आगे हम चलते हैं कि समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। तो इसका हम सबसे पहले परिभाषा देते हैं कि समुच्चयों का समुच्चय कहते किसे हैं। तो जिस समुच्चय का प्रत्येक अवयव भी एक सेट हो उसे हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि देखिए कि मंझोली कोष्टक के अंदर 1 2, तो 1 2 क्या हो गया, एक सेट तो हुआ ही। 3 4 भी क्या हुआ, एक सेट हुआ। 4 5 भी क्या हुआ, एक सेट हुआ। और उसको देखिए फिर मंझोली कोष्टक के अंदर आ रहा है, तो यही आपका क्या हो गया कि समुच्चयों का समुच्चय हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आप लोगों को सेट के बारे में बताएं, उसके विभिन्न प्रकार को बताएं। अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।